औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोजस ख़वातीन हज़रात, वालदैन की औलाद के हक़ में की गई दुआएं बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत पाती हैं। वो लोग बेशक खुशकिस्मत हैं जिनके सरों पर वालदैन का साया बाइस रहमत है। लिहाजा बेशक उनकी अज़मत की कदर करें। वालदैन दुनिया की सबसे अहम हस्ती हैं। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो यकीनन बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक वालदैन अगर रुखसत हो जाएं तो बेबसी, तन्हाई, बदनसीबी मुकद्दर बन जाती है। मोजस ख़वातीन हज़रात, आज देखते हैं आप सब जज्बात में सजा कर क्या क्या चीजें लाए हैं। हमारे आज के मुशायरे की सदारत मोहतरमा शीरिन गुल साहबा, जिनका तल्लुक लाहौर से है, वो करवाएंगी। उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारी इस दरख्वास्त को कबूल करें और बिस्मिल्लाह हमें मुशायरा शुरू करने की बाकायदा इजाज़त भी दें। जी जी जाती है जी। शुक्रिया। तो मैं लगे हाथों मोहतरमा सदर साहबा का मुख्तसर सा तारफ भी करवा देता हूँ, वक्त की नज़ाकत के हिसाब से मुख्तसर सा। आपका पूरा नाम शीरिन गुल राना है, कलमी नाम गुल है, लाहौर से आपका तल्लक है। शायरी की इब्तदा कोई निसफ सदी होने को है जब आपने शुरू की थी। तो आपकी जो मेरे इल्म में है उसके बाद का नहीं पता कि चार किताबें मंजरे आम पे आ चुकी हैं। मजमू कलाम, उनका एक शेर है, वो भी मैं पेश कर देता हूँ। क्या गजब है सबसे अफजल होके भी इस दहर में, क्या गजब है सबसे अफजल होके भी इस दहर में, आबो गुल महंगे रहे इंसान अगर सस्ते रहे। तो जैसा बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल हमारे मुशायरे की रवायत है कि हम हम्द और नाज से मुशायरे का आगाज करते हैं, तो जिनके जिम्मे ये लगाया गया था वो बीमार हो गए हैं। उनका कल मैसेज आ गया था, हॉस्पिटल में तरमीम है। तो मैं एक हमदिया कलाम पेश कर देता हूँ जी जरूर आज। इरशाद। शुक्रिया। रहम कर मुझ पे शबो रोज खुदा राय अपना, आमीन दहर में होता है रो रो के गुजारा अपना। रहम कर हम पे भी काश मुहब्बत की नजर हो जाए। एक इंशाअल्लाह मुद्दत से है गर्दश में सितारा अपना। अल्लाह कसम अब खाती नजर आती हैं तूफान की लहरें हर सू, अब नजर आती हैं तूफान की लहरें हर सू, अब है कश्ती से बहुत दूर किनारा अपना। वाह। ओ दिल को अहवाल सुनाने में लगे हैं लेकिन क्या करें साथ नहीं दिल को गवारा अपना। और मकतर है, यूं ही दुनिया से, यूं ही दुनिया से, यूं ही दुनिया से चले जाना है एक दिन साजे, माल पहले ही लुटा देना हमारा अपना। रहम सुभान कर मुझ पे। अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह बहुत खूब शुक्रिया नवाजिश। जैसा कि मशायरे की हमेशा से रवायत रही है कि
निजामत करवाने वाला अपना कलाम पहले सुनाता है, जी तो मैं मोहतरमा सदर साहबा की इजाजत से, जैसा कि आज का मौजू है माँ बाप, उस पर एक नजम पेश करूंगा। तो मैं जारी चाहूंगा। सकुने कल्ब थी दिल, सकुने कल्ब और थी दिल की राह, मेरे माँ बाप थे जब तक सलाम, वाह गना साया था सर पे उनके दम से, मैं वाकफ ही ना था रंजो आलम से, मैं उनका ख्वाब था अरमान था मैं उनका ख्वाब था अरमान था मैं उनका दिल था उनकी जान था मैं, आला सहे खुद गम मगर मुझको खुशी दी, वाह मुझे तालीम दी और आग ही दी, वाह वाह दुआएं मेरे हक में मांगते थे, बड़ा अफसर बनूं वो चाहते थे, मुसीबत आई भी तो खुद ही झेली, बड़े नाजों से मेरी परवरिश की, न सोचा था बिछड़ जाएंगे एक दिन, ना सोचा था बिछड़ जाएंगे एक दिन, मुझे गम दे के तड़पाएंगे एक दिन, हुए आखिर जुदा माँ बाप मेरे, हुए आखिर जुदा माँ बाप मेरे, मुझे अब डस रहे हैं पाप मेरे, ये हसरत है कि उनके काम आता, ये हसरत है कि उनके काम आता, मैं उनके बोझ को खुद भी उठाता, वाह सुनहरे दिन जवानी के उसी दिन, अंधेरी रात में माँ बाप के बिन, मुझे याद आते हैं अब्बा और अम्मा, मुझे याद आते हैं अब्बा और अम्मा, तड़पती है मेरी सहमी हुई जान, मैं हूँ अब रंजो गम की एक कहानी, मैं हूँ अब रंजो गम की एक कहानी, मुसीबत बन गई है जिंदगानी, खुली आंखें तो अब सोचा, खुली आंखें तो अब देखा है मैंने, वो क्या चाहते अब समझा है मैंने, मुझे माँ बाप का गम कम नहीं है, कोई उन जैसा अब हमदम नहीं है, सकुने कल्ब थी, सकुने कल्ब और थी दिल को रहा। शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत जी, खूब आपने बड़ी नवाजिश, सुना दी, अच्छी नजर पेश किया साजिद साहब ने, बहुत 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 जी, बड़ी मुबारक हो, मोहब्बत, नवाजिश, शानदार। खवातीन रज़ात, हमारे साथ एक शायर ऐसे मौजूद हैं जिनका मकाम तो बहुत बाद में है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि वो हमारे मेजबानों में से हैं और हमारे मुशायरे की सरपरस्ती भी करते हैं जी। तो मेरी मुराद है डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब, आपका
वतन पाकिस्तान है, वतन सानी बरतानिया है, आगाज शायरी जमाना तालबे इल्मी से ही आप बरतानिया चले आए थे और यहीं पे आपने अल्लाह तालीम हासिल की। 17 किताबें आपकी मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, जिसमें 2 पंजाबी की, 8 उर्दू की, 1 उर्दू नज्मों का मजमुआ है, होम्योपैथिक के नुस्खाजात पे 2 किताबें आपकी, 2 हमदोनात की किताबें हैं, और 2 किताबें अभी देर तबाह हैं जो अनकरीब मंदिराम पे आने वाली हैं। पेशे के लिहाज से आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, बहुत तो मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब से कि वो क्या पेश कर रहे हैं आज। बिस्मिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इशाक साजिद साहब, आपने तारुफ पेश किया। मैं मोहतरमा सदीर साहब आपसे इजाजत चाहता हूँ जी। बिस्मिल्लाह कीजिए जी, इरशाद आइए कंडे साहब। फादर्स खुदा अगर हैं तो बस वालदैन हैं, फादर्स खुदा अगर हैं तो बस वालदैन हैं, रहमत नुमा अगर हैं तो बस वालदैन हैं। सुभान अल्लाह, बेशक जो उनकी शफकतें हैं नहीं उनका कुछ शुमार, उनकी शफकतें हैं नहीं उसका कुछ शुमार, बिल्कुल फजल खुदा से हैं वो सरापा वफा शियार। रखा है खुद को धूप में और हमको साए में, रखा है खुद को धूप में और हमको साए में, हमको हमको न पास आने दिया तनगिनाए में। क्या बात, आती है बाप की तो कभी माँ की मुझको याद, आती है बाप माँ की मुझको याद, आती है बाप की तो कभी माँ की मुझको याद, अक्सर मैं उनकी याद में रहता नहीं हूँ शाद। इल्मो इल्मो अदब से खूब संवारा गया मुझे, इल्मो अदब से खूब संवारा गया मुझे, तालीम और तरबियत से निखारा गया मुझे। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने, शुक्रिया। कंकर को वालदैन ने सोना बना दिया, क्या बात है, वाह 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 वाह, को वालदैन ने सोना बना दिया, सोना बना दिया, हाय हाय, मानिंदे मानिंदे याफ्ता मुझे जगमगा दिया, वाह वाह वाह। जो कुछ भी मेरे पास है उनके सबब से है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है उनके सबब से है, जो अब मेरी असास है उनके सबब से है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बेसबात में वो अब नहीं रहे, दुनियाए बेसबात में वो अब नहीं रहे, आई कदा शहर खामोशा चले गए, अब कैसे इतनी दूर से उनको बुलाऊं मैं, अब कैसे इतनी दूर से उनको बुलाऊं मैं, जादू से वो जो आए तो जादू जगाऊं मैं, अब कैसे इतनी दूर से उनको बुलाऊं मैं, जादू से वो जो आए तो जादू जगाऊं मैं, मालूम है वो नाज उठाने के अब नहीं, मालूम है वो नाज उठाने के अब नहीं, वो मेरे पास लौट के आने के अब नहीं, वो मेरे पास लौट के आने के अब नहीं, आने के अब नहीं। और आखिरी शेर है, अब तो दुआ है खुल्द में वो मेहमान रहे, अब तो दुआ है खुल्द में वो मेहमान रहे, बागे इरम की सैर करें शाद मारे। आमीन आमीन, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया।
ये थे मोहतरम मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब बरतानिया से। तो हम बरतानिया में मौजूद रहते हैं, यहाँ हमारी एक शायरा लंदन से नीलम रुबाब साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं वो उनका तल्लुक तो पाकिस्तान से है लेकिन अब बरतानिया में मुकीम है। जी स्कूल के जमाने से ही वो शायरी भी कर रही हैं, एक अदबी के जी जमाने से उनका तल्लुक है। हाँ जी तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा नीलम रुबाब साहबा से एक वो अपना कलाम आपकी खिदमत पेश करें। मोहतरमा नीलम रुबाब साहबा। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। ये आज का मुशायरा माँ बाप के ऊपर है, तो जी जी उसके सदर साहबा जो भी या साहेब जो मुझे ये नहीं पता है, सदर कौन है, आप है सदर साहब आए सदर साहबा है, ठीक है शीरिन गुल साहबा जी लाहौर से। जी सदर साहबा की इजाजत से, आपकी इजाजत से सुनाना चाहूंगी एक कलाम। जी नजर में बानवान माँ बाप के, माँ बाप के जैसा, माँ बाप के जैसा कोई नहीं, बेशक माँ बाप के जैसा कोई नहीं, ये सच है ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल माँ बाप के जैसा कोई नहीं, ये सच है ऐसा कोई नहीं। तुम लाख बनाओ रिश्ते नाते, माँ बाप का बदल कोई नहीं, कोई नहीं। तुम लाख बनाओ रिश्ते नाते, माँ बाप का बदल कोई नहीं, कोई नहीं, माँ बाप का बदला कोई नहीं। चाहे जी जी माँ बाप का बदला कोई नहीं। हाँ जी जी चाहे चाहे धरती पर चाहे अंबर पर, हर जगह पे हाँ उनकी फजीलत है, चाहे धरती पर चाहे अंबर पर, हर जगह पे बेशक उनकी फजीलत है। जो रब रसूल ने लिख डाली वो दी जो उनको इज्जत है, बेशक जो रब रसूल ने लिख डाली वो दी जो उनको इज्जत है। तुम लाख चुराओ नजरें उनसे, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं, नहीं। तुम लाख चुराओ नजरें उनसे, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं। तुम चादर तान के सोते हो, वो करते दो तुम्हारे लिए, तुम चादर तान के सोते हो, वो करते दुआएं तुम्हारे लिए। तुम ऐशो इशरत देखते हो, वो रूखी सूखी खाते हैं, तुम ऐशो इशरत देखते हो, वो रूखी सूखी खाते हैं। तुम सोचते हो 10 बार मगर, वो एक ही बार में सुनते हैं। तुम सोचते हो 10 बार मगर, वो एक ही बार में सुनते हैं। जो दर्द तुम्हें कोई देता है, उन रिश्तों को ठुकराते हैं। जो दर्द तुम्हें कोई देता है, उन रिश्तों को ठुकराते हैं। माँ बाप से सच्चा कोई नहीं, उनकी खिदमत जो कर ना सके उससे ज्यादा कोई फेल नहीं, उनकी खिदमत जो कर ना सके इससे ज्यादा कोई फेल नहीं। दिल में सही पछतावा रह जाए, इससे बड़ी कोई जेल नहीं, सही दिल में पछतावा रह जाए, इससे बड़ी कोई जेल नहीं। माँ बाप ठीक का रिश्ता खेल नहीं, माँ बाप बिल्कुल का रिश्ता खेल नहीं। वाह माँ है माशाल्लाह मोहब्बत, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। माँ है मोहब्बत की मूरत, तो बाप है शफ़क़त की सूरत। वाह माँ वाह वाह क्या मैसेज। है मोहब्बत की मूरत, तो बाप है शफ़क़त की सूरत। जब वाह दोनों रस बरसाते हैं, तब प्यार की बरखा लाते हैं। वाह वाह जब वाह दोनों रस बरसाते हैं, तब प्यार की बरखा लाते हैं। तब बेशक सुंदर सी एक वादी में प्यार का अमृत छलकता है, वाह वाह तब सुंदर सी एक वादी में प्यार का अमृत छलकता है, और बूंद बूंद उतरता है। तब जाकर मीह वाह बरसता है, वाह वाह तब जाके मीह बरसता है। जो भीगे वो ही पावन है,
जो भीगे वो ही पावन है, जो ना भीगे वो रावण है, जी वाह वो रावण है, माँ वाह बाप के जैसा कोई नहीं, वाह। नीलम सच ऐसा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह। बहुत खूब जी बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया नीलम रबाद साहब, अच्छा जजाकल्लाह आपने बहुत कलाम शुक्रिया। पेश किया। अब हम लंदन से इंडिया की तरफ रुख करते हैं। जी दरभंगा बिहार से हमारे साथ नसीर अहमद आदिल साहब मौजूद हैं, जी तो मेरी उनसे दरख्वास्त है मोहतरम जनाब नसीर आदिल साहब से, तो अपना कलाम पेश करें। मोहतरम जनाब नसीर आदिल साहब, जी शुक्रिया। सदर के इजाजत से जी मैं बिस्मिल्लाह जी, अपनी इशारत फरमाइए। नज़र माँ बाप पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह माँ बाप कीजिए। को ही मैंने रदीफ की जगह दी है, ये मैं ये आपकी आवाज आ रही है। नसीर अहमद जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए नसीर साहेब। जी, सख्तियों में भी नेहा है मसलहत माँ बाप की, वाह वाह वाह। वाह वाह बया की मैं मदद माँ बाप की, वाह न जाए घर ये बच्चे फर्जियत माँ बाप की, दूर हो बेशक जाए दूर वाह की यासियत माँ बाप की। वाह वाह है मुरब्बी और मुअल्लिम, तो कभी वो है तबीब, सिर वाह जहत वाह है में शख्सियत माँ बाप की, वाह वाह है इस वाह जमीन शख्सियत माँ बाप की, हर तरह से इसको हासिल रब की खुशनुदी हुई, जिसने जी समझा जिंदगी में हैसियत माँ बाप की, वाह वाह मेहनों को पूरा करते हैं दुख झेल कर, है जहां में बस वो वाहिद शख्सियत माँ बाप की, बेशक वाह बाप माँ के साथ रब की भी है मिल जाती रजा, जो जईफी बनते तकवियत माँ बाप की, वाह रूठ वाह कर भिगो लेते हैं बच्चे जिस घड़ी, दीद के काबिल है होती कैफियत माँ बाप की, माँ हर बाप वाह वाह कदम पर वाह रोजी ने कदम चूमा मेरा, काम आई हर घर पे तरबियत माँ बाप की, वाह 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 मुमकिन था कि बाकी बर जमी रहता वजूद, न न वाह मिलती तुम सबको तो अंशियत माँ बाप की, वाह जी वाह जी वाह, क्या तरफ कहना। बाकी खुदा रा, हर तरह जूदो करम, उम्र भर कायम रहे हर आतिफत माँ बाप की। वाह वाह ये आखिरी शेर है बाप जी का। जी 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 फरमाइए। माफ होंगे वो दिल से मांग लो माफी नसीर, माफ कर वो दिल से मांग लो माफी नसीर, है खताएं माफ करना खासियत माँ बाप की। वाह 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 वाह, क्या वाह ख्याल है भाई, वाह वाह वाह, क्या बहुत अच्छा, है, खताएं माफ करना खासियत वाह 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 वाह, बड़ी माँ बाप की, वाह वाह वाह। बहुत जी खूब। शुक्रिया। ये तो मोहतरम नसीर आदिल साहेब दरभंगा बिहार इंडिया से। अब एक दो दोस्त इसमें नहीं आए, हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो हमारे जी साथ एक बहुत अच्छे शायर, मुतरन्नम जी शायर हैं, आमिर आजमी साहब। ना वो हैं तो आजमगढ़ से, लेकिन अरब अमारात में मकीम हैं वो। अच्छा और जी उनमें उनकी ये खूबी है, वो हाफिज कुरान भी हैं और एक मस्जिद में इमामत भी करवाते माशाल्लाह, हैं। वाह 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो तो साहब मैं दरख्वास्त करूंगा कलाम मोहतरम बंद होने आमिर वाला है, आजमी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। जल साहब जी बंद होने बिस्मिल्लाह वाला है, कीजिए। मैं जी दोबारा खोल देता हूँ, कितना रह गया? ये 4 मिनट बाकी हैं। अच्छा अभी 4 मिनट ठीक है, बाकी हैं, तो मैं हाँ ठीक है, बंद करके खोल दें। बंद करके खोलता हूँ, और आप इनका तारुफ जो है फिर से पेश कीजिएगा।
जी जी बेहतर। शुक्रिया।